हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के आर्टिकल्स के बारे में आपको बताना चाहता समझाना चाहता हूँ, जिसमें सब आ जाते हैं। आर्टिकल्स हैं 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और द डेफिनेट आर्टिकल। हम बात करते हैं कि ए कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ए यूज़ होता है कॉन्सोनेंट वर्ड्स के लिए। ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो 21 वर्ड्स बचते हैं उसे कॉन्सोनेंट वर्ड्स कहते हैं। बिफोर यू, बल्कि बिफोर द वर्ड यू, जब वो साउंड निकाल ले यू की तरह। इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे ए यूनियन, जिसमें है ये यू है, यू के पीछे ए लगा है, बट ये आवाज़ जू की निकाल रहा है, जू, तभी ए लगा है इधर, नहीं तो इधर एन लगना था। बिफोर ओ, जब ओ की आवाज़ जब व की तरह निकले, जैसे वन आई मैन, ए वन ऐसे, ये है। आपको, मेरे को लगता है कि आपको ए का पता चल गया होगा ए कहाँ कहाँ यूज़ होता है। वो उसके बाद है यूज़ ऑफ एन, एन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एन यूज़ होता है वावल्स में। वावल्स 5 प्रकार के होते हैं, ए ई आई ओ यू। उसके साथ साथ एन साइलेंट वर्ड एच के पीछे भी लगता है। उसकी एग्जांपल देता हूँ, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, जिसमें एच जो है वो साइलेंट है इधर, और ये आवाज़ निकाल रहा है अ की, और ये इसकी वॉवल्स की साउंड के साथ मिलती है। तो इसके बाद ये क्या है, इसके पीछे एन लगा है। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे एन और, ये भी वही है, एच साइलेंट है तो अ की आवाज़ निकाल रहा है, तो और, तो तभी ये इसके पीछे एन लगा है। बिफोर एब्रीवेशन स्टार्टिंग विद वॉवल साउंड, मतलब कि बिफोर फुल फॉर्म्स जो स्टार्ट होती हैं वॉवल साउंड, जैसे मतलब कि वॉवल की साउंड के साथ, जैसे एन एम एल ए, एम एल ए, एम एल ए को जब हम प्रोनाउंस करते हैं हिंदी में तो वो वॉवल्स की साउंड निकालता है, तभी हम एन लगाते हैं। अब यूज़ ऑफ द कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बिफोर नाउन, नाउन आप सबको पता है, नेम ऑफ पर्सन प्लेस आती हैं, और इसकी एग्जाम्पल है द स्कूल, द बॉय, द पेन। बिफोर द नेम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, जैसे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसके बाद आ जाता है, वैसे बहुत सारी एग्जांपल हैं इसकी। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, कम्युनिटीज़ एक्स्ट्रा, जैसे कि द इंडियंस, ये कम्युनिटीज़ की है, द इंडियन एक्सप्रेस, ये न्यूज़पेपर है। ऐसे हम और भी कई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे द केसरी टाइम्स। बिफोर द डेट, बिफोर आ डेट, मतलब कि हम किसी डेट के पीछे भी लगा सकते हैं, जैसे कि द फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर, द लास्ट डे ऑफ दिसंबर, द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, हम ऐसे भी कह सकते हैं, द सेकेंड वीक ऑफ मई। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, कंट्रीज, आइलैंड, हम नदियों के नाम, कंट्रीज़ के, देशों के नाम और आइलैंड द्वीपों के नाम के पीछे भी हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे कि द गंगा, द इंडिया, द यूएसए। उसके बाद आइलैंड, जैसे द लक्षद्वीप। उसके बाद बिफोर एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, हम विशेषण के पीछे भी लगाते हैं जब वो नाउन की तरह हो। एक एग्जांपल है द रिच, ये है विशेषण, बट ये यूज़ हो रहा है नाउन की तरह, तभी इसके पीछे भी द लगा हुआ है। उसके बाद द, बिफोर द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग मेजरमेंट्स, उन वर्ड्स के पीछे जो मेजरमेंट एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि द किलोग्राम, तभी भी लगता है। उसके बाद बिफोर सिंगुलर नाउन इंडिकेटिंग क्लास, तो इसकी एग्जांपल है, जैसे कि सिंगुलर नाउन हो बट वो किसी काइंड, बल्कि किसी को वो कहे कि ये अच्छा है, या क्लास या काइंड को एक्सप्रेस करे, तो उसके लिए जैसे एग्जांपल है द रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तभी इसके पीछे वो लगा है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, और जिससे आपको मेरी ताज़ा मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और साथ ही लाइक देते रहें, लाइक करते रहें वीडियो को।